प्यारे दोस्तों, आज हम आपको R600A रेफ्रिजरेंट तथा उसकी गैस चार्जिंग की प्रक्रिया से परिचित कराएंगे। R600A एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है तथा इसका केमिकल नाम आइसोब्यूटेन है। R600A की खूबियां: शून्य ओजोन डेप्लीशन पोटेंशियल, न्यूनतम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कम शोर के साथ तेज कूलिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी सामान्य बनी रहती है, ऊर्जा की बचत होती है तथा इको फ्रेंडली है। R600A एक फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है। R600A की प्रॉपर्टीज तथा R134 व R12 के साथ उसकी तुलना। ट्रबल शूटिंग के तरीके: रेफ्रिजरेटर की ट्रबल शूटिंग के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल R600A गैस चार्जिंग की प्रक्रिया में परिवर्तन है। R600A रेफ्रिजरेंट चेकिंग व लीकेज के लक्षण: फ्रीजर पर हाफ आइस सिस्टम का चौक होना, इवेपोरेटर जॉइंट से ऑयल का लीक होना, ड्रेन ट्रे में ऑयल का लीक होना, कैपिलरी से ऑयल का लीक होना, जॉइंट से ऑयल का लीक होना तथा ड्रायर से रेफ्रिजरेंट का लीक होना। अति आवश्यक पुर्जे एवं उपकरण: पेसिंग वॉल्व, रेफ्रिजरेंट एग्जॉस्ट पाइप, गैस मैनिफोल्ड, वैक्यूम पंप, डिजिटल वेइंग मशीन, R600A कैन बेस, गैस चार्जिंग लाइन। R600A रेफ्रिजरेंट प्लग चेक के साथ ड्रायर और चार्जिंग साइड प्लग चेक। रेफ्रिजरेटर में R600A गैस तथा उसकी मात्रा की पहचान के लिए मॉडल स्पेसिफिकेशन स्टिकर को देखें। यदि मॉडल नाम में F लिखा हुआ है तो यह एक R600A मॉडल रेफ्रिजरेटर है। मॉडल स्पेसिफिकेशन स्टिकर में दी गई रेफ्रिजरेंट की मात्रा को एकदम सही चार्ज करना अति आवश्यक है। अब हम कंप्रेसर रिप्लेसमेंट के साथ गैस चार्जिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह कंप्रेसर है, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, ड्रायर, ड्रायर चार्जिंग लाइन और कैपिलरी। R600A की सुरक्षित डिस्चार्जिंग प्रक्रिया: एग्जॉस्ट पाइप का एक सिरा पेसिंग वाल्व के साथ जोड़ें तथा दूसरे को खिड़की से बाहर खुली जगह तक ले जाकर छोड़ दें। पेसिंग वाल्व को चार्जिंग लाइन के साथ जोड़ें। पेसिंग वाल्व को चार्जिंग लाइन में भेजने के लिए उसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए टाइट करें। 5 मिनट इंतजार करें। R600A तीव्र प्रेशर के साथ एग्जॉस्ट पाइप से होती हुई खुली जगह पर डिस्चार्ज होगी। अब एग्जॉस्ट पाइप को पेसिंग वाल्व से अलग कर दें। शेष बचे रेफ्रिजरेंट को वैक्यूम पंप द्वारा निकालने के लिए वैक्यूम पंप से पेसिंग वाल्व तक एक पाइप जोड़ें। रेफ्रिजरेंट को खुली जगह पर कम से कम 10 मिनट तक डिस्चार्ज करें, नहीं तो आग लगने के कारण दुर्घटना घट सकती है। कंप्रेसर निकालने की प्रक्रिया: ट्यूब कटर की सहायता से चार्जिंग ट्यूब को काटें। ओएलपी तथा ओएलपी कवर को कंप्रेसर से हटाएं। डिस्चार्ज लाइन को डीब्रेस करें। सक्शन लाइन को डीब्रेस करें। ड्रायर कैपिलरी को डीब्रेस करें। ड्रायर चार्जिंग लाइन को डीब्रेस करें। बोल्ट्स को लूज करके कंप्रेसर को अलग करें। कंप्रेसर को सिस्टम से निकालते वक्त सावधानी बरतें। कंप्रेसर को निकालने के बाद
अब नाइट्रोजन फ्लश करना शुरू करें। सर्विस वाल्व को डिस्चार्ज लाइन से जोड़ें। तथा दूसरा सर्विस वाल्व सक्शन लाइन से जोड़ें। पाइप को नाइट्रोजन सिलेंडर से डिस्चार्ज लाइन तक जोड़ें। नाइट्रोजन डालना शुरू करें तथा फ्लैशिंग करते हुए डस्ट पार्टिकल्स चेक करें। इसके बाद उसी पाइप को सक्शन लाइन के साथ जोड़ें। नाइट्रोजन डालना शुरू करें तथा उसी तरह डस्ट पार्टिकल चेक करें। नाइट्रोजन फ्लैशिंग पूरी करने के बाद पाइप को हटा दें। ड्रायर तथा नए कंप्रेसर को रेफ्रिजरेटर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया। कंप्रेसर के सभी बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करें। कंडेंसर पाइप को ड्रेन ट्रे के अंदर ठीक से एडजस्ट करें। सक्शन लाइन तथा डिस्चार्ज लाइन से लगे सर्विस वाल्व को डीब्रेस करें। अब हम चार्जिंग साइड प्लग चेक को लगाने जा रहे हैं। चार्जिंग साइड प्लग चेक लगाने से पहले अंदर लगे रबर रिंग वाल्व को प्लग चेक से निकाल लें। ड्रायर को लगाने के लिए इसे ड्रायर चार्जिंग लाइन से जोड़ें और कैपिलरी को ड्रायर से जोड़ें। ड्रायर की तरफ प्लग चेक को लगाने से पहले अंदर लगे रबर रिंग वाल्व को प्लग चेक से निकाल लें। प्लग चेक को ड्रायर से जोड़ें। सक्शन लाइन को ब्रेस करें। डिस्चार्ज लाइन को ब्रेस करें। दोनों लाइंस को ठीक से सोल्डर करें। प्लग चेक को ड्रायर से जोड़ें। सक्शन लाइन को ब्रेस करें। डिस्चार्ज लाइन को ब्रेस करें। दोनों लाइंस को ठीक से सोल्डर करें। ड्रायर चार्जिंग लाइन को ब्रेस करें तथा ठीक से सोल्डर करें। चार्जिंग साइड प्लग चेक को कंप्रेसर से ब्रेस करें तथा प्लग चेक ठंडा होने के बाद रबर रिंग वॉल्व को इसके अंदर डालें तथा ठीक से टाइट करें। इसी प्रक्रिया को ड्रायर साइड प्लग चेक के लिए दोहराएं। नाइट्रोजन द्वारा लीकेज की जांच। नाइट्रोजन प्रेशर द्वारा लीकेज की जांच करने के लिए गेज मैनिफोल्ड का प्रयोग करें। एक पाइप को चार्जिंग साइड प्लग चेक से जोड़ें तथा गेज को खोल दें। ड्राई नाइट्रोजन का सील्ड सिस्टम में 150 PSG तक का दबाव बनाएं। इंटरनल लीकेज की जांच के लिए नाइट्रोजन प्रेशर से चेक करना अनिवार्य है।
बाहरी सभी जोड़ों की लीकेज की जांच के लिए साबुन के झाग का उपयोग करें। अगर 30 मिनट में लीकेज नहीं मिले तो गैस मेनफोल्ड को अलग कर दें। और नाइट्रोजन को ड्रायर प्लग चेक और चार्जिंग साइट प्लग चेक के द्वारा सील सिस्टम से बाहर निकाल दें। सील्ड सिस्टम को वैक्यूम करने की प्रक्रिया। आप गैस मेनफोल्ड को दोनों प्लग चेक्स तथा वैक्यूम पंप से जोड़ें। सील्ड सिस्टम को वैक्यूम करना अति आवश्यक है। वैक्यूम पंप को कम से कम 30 मिनट के लिए चलाएं। सफलतापूर्वक वैक्यूमिंग के बाद गैस मैनफोल्ड तथा वैक्यूम मशीन को अलग कर दें। R600A को चार्ज करने की प्रक्रिया। रेफ्रिजरेंट कैन को HC बेच से जोड़ें। और चार्जिंग ट्यूब को बेस से चार्जिंग साइट प्लग चेक तक जोड़ें। अब रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने के लिए वाल्व खोल दें। स्पेसिफिकेशन स्टिकर पर लिखी रेफ्रिजरेंट की मात्रा को एकदम सही चार्ज करने के लिए वेइंग स्केल का उपयोग करना अति आवश्यक है, अन्यथा समस्या दोबारा आ सकती है। अब चार्जिंग ट्यूब खोल दें और दोनों प्लग चेक्स के नट बंद कर दें। रिपेयर के बाद चार्जिंग पाइप को ना दबाएं। ऐसा करने से रेफ्रिजरेंट लीक कर सकता है। अब गैस चार्जिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। धन्यवाद।